नमस्कार। आज का मेरा व्याख्यान महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर द्वारा बीए तृतीय वर्ष समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम सिलेबस पर आधारित है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को सबसे पहले उस पाठ्यक्रम पर नज़र डालनी चाहिए, उस पाठ्यक्रम का अध्ययन करना चाहिए, उस पाठ्यक्रम को ध्यान रखना चाहिए जो पाठ्यक्रम उनके लिए निर्धारित है। बीए थर्ड ईयर समाजशास्त्र दो प्रश्न पत्रों में विभाजित है। पहले प्रश्न पत्र का शीर्षक है सोशियोलॉजिकल थॉट अर्थात समाजशास्त्रीय चिंतन या समाजशास्त्रीय विचार, और दूसरे प्रश्न पत्र का शीर्षक है इंट्रोड्यूसिंग सब सोशियोलॉजीज उप समाजशास्त्रों का परिचय। मैं प्रथम प्रश्न पत्र सोशियोलॉजिकल थॉट के प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। सोशियोलॉजिकल थॉट प्रश्न पत्र तीन यूनिट्स में बटा हुआ है और प्रत्येक यूनिट में दो दो समाजशास्त्री निर्धारित हैं, उनके सिद्धांत उनकी थ्योरीज निर्धारित हैं। फर्स्ट यूनिट का शीर्षक है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा। शास्त्रीय समाजशास्त्रीय परंपरा अर्थात क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अंतर्गत दो सोशल थिंकर्स की थ्योरीज विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं। इनमें पहले थिंकर का नाम है कार्ल मार्क्स, जिनके दो सिद्धांत विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है पाठ्यक्रम में। पहले सिद्धांत का नाम है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरी थ्योरी कार्ल मार्क्स की जो प्रिस्क्राइब्ड है उसका शीर्षक है क्लास स्ट्रगल अर्थात वर्ग संघर्ष। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के दो सिद्धांत इसमें दिए हैं, विद्यार्थियों के लिए निर्धारित हैं। पहले सिद्धांत का नाम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और दूसरे सिद्धांत का नाम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। इस यूनिट में दूसरे सामाजिक विचारक इमाइल दुर्खीम हैं और उनकी दो थ्योरीज विद्यार्थियों के लिए निर्धारित हैं। इमाइल दुर्खीम की पहली थ्योरी, पहला सिद्धांत जिसका अध्ययन विद्यार्थियों को करना है थर्ड ईयर में, उसका शीर्षक है सोशल फैक्ट अर्थात सामाजिक तथ्य का सिद्धांत। दूसरी थ्योरी का शीर्षक है डिवीजन ऑफ लेबर अर्थात श्रम विभाजन का सिद्धांत। तो इस प्रकार से यूनिट फर्स्ट में टोटल चार थ्योरी पढ़नी है, कार्ल मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इमाइल दुर्खीम का सामाजिक तथ्य का सिद्धांत और श्रम विभाजन का सिद्धांत। यूनिट सेकंड का शीर्षक है कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन अर्थात समकालीन समाजशास्त्रीय परंपरा। समकालीन समाजशास्त्रीय परंपरा शीर्षक के अंतर्गत दो समाजशास्त्रियों के दो दो सिद्धांत हैं। पहले समाजशास्त्री का नाम है जुर्गन हेबरमास। जुर्गन हेबरमास के दो सिद्धांत थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। पहले सिद्धांत का शीर्षक है लेजिटिमेशन क्राइसिस।
वैधीकरण संकट का सिद्धांत या वैधता संकट का सिद्धांत, दूसरा है कम्युनिकेटिव एक्शन अर्थात संचारी क्रिया या संप्रेषणीय क्रिया। तो इस प्रकार से जुर्गन हेवरमास के दो सिद्धांत, दो थ्योरीज थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हैं, लेजिटिमेशन क्राइसिस और कम्युनिकेटिव एक्शन। एंथनी गिडेंस दूसरे समाजशास्त्री हैं इस यूनिट में। एंथनी गिडेंस के भी दो सिद्धांत हैं। पहले सिद्धांत का शीर्षक है मॉडर्निटी अर्थात आधुनिकता का सिद्धांत। दूसरे सिद्धांत का नाम है स्ट्रक्चर एंड एजेंसी, संरचना और एजेंसी का सिद्धांत। तो इस प्रकार से यूनिट सेकंड में कुल दो समाजशास्त्री जर्गन हेवरमास और एंथनी गिडेंस हैं और कुल चार थ्योरीज पढ़नी है। पहली थ्योरी लेजिटिमेशन क्राइसिस अर्थात वैधीकरण संकट या वैधता संकट का सिद्धांत, कम्युनिकेटिव एक्शन अर्थात संप्रेषणीय क्रिया या संचारी क्रिया। एंथनी गिडेंस के दो सिद्धांत हैं मॉडर्निटी अर्थात आधुनिकता और दूसरे सिद्धांत का नाम है संरचना और एजेंसी। फर्स्ट पेपर में तीसरी यूनिट का शीर्षक है इंडियन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन अर्थात भारतीय समाजशास्त्रीय परंपरा। भारतीय समाजशास्त्रीय परंपरा के अंतर्गत उन्हें दो समाजशास्त्री हैं, उनके दो दो सिद्धांत हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, शीर्षक से ही प्रतीत होता है, ये यूनिट भारतीय समाजशास्त्री पर केंद्रित है। इसमें पहले समाजशास्त्री जिनके सिद्धांत सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं उनका नाम है डी पी मुखर्जी के दो सिद्धांत हैं डाइवर्सिटी अर्थात विविधता और दूसरे सिद्धांत का नाम है डायलेक्टिक्स ऑफ ट्रेडिशन अर्थात परंपराओं का द्वंद्व। विविधता और परंपराओं का द्वंद्व, ये दो सिद्धांत थर्ड यूनिट पार्ट ए में प्रिस्क्राइब्ड है। इंडियन सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन के अंतर्गत दूसरे समाजशास्त्री, दूसरे भारतीय समाजशास्त्री जिनको सम्मिलित किया गया है, जिनकी थ्योरीज को सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, उनका नाम है A.R. देसाई। A.R. देसाई के नेशनलिज्म अर्थात राष्ट्रवाद और पाथ ऑफ डेवलपमेंट विकास के मार्ग या विकास का मार्ग दो सिद्धांत बी ए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सम्मिलित हैं। उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो बी ए थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थॉट का सिलेबस जो समझाया गया है, बताया गया है, वो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को सामाजिक विचारकों से जोड़ेगा, समाजशास्त्रीय चिंतन से जोड़ेगा और उनके अध्ययन को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करेगा।